टिकटॉक स्टार अरमान राठौर के सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी चर्चे हैं। टिकटॉक, यूट्यूब से लेकर फेसबुक और ट्विटर तक आजकल इस टिकटॉक स्टार के वीडियो काफी देखे जा रहे हैं और शेयर किए जा रहे हैं। आलम यह है कि ना सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स बल्कि बॉलीवुड स्टार से लेकर क्रिकेटर तक अरमान राठौर के ये वीडियो के साथ ड्यूएट वीडियो शेयर कर रहे हैं। ऋतिक रोशन के गाने पर डांस कर वे रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बन गए। अरमान राठौर का जन्म गुजरात के एक गरीब परिवार में 3 नवंबर 1985 को हुआ था। अरमान गुजरात के वलसाड इलाके के एक झोपड़पट्टी में रहते हैं। गरीबी के कारण वे सिर्फ 6 क्लास तक की ही पढ़ पाए हैं। 7वीं में वे फेल हो गए थे, लेकिन अरमान के अंदर डांस की प्रतिभा बचपन से ही थी। स्कूल कॉलेजों में अरमान परफॉर्मेंस भी करते है। घर का खर्च चलाने के लिए अरमान भगवान गणेश की प्रतिमाओं को रंगने का काम करते है। अरमान ने अपना टिकटॉक अकाउंट 24 जून 2019 में बनाया था। एक इंटरव्यू के दौरान अरमान ने बताया कि वे टाइम पास के लिए टिकटॉक अकाउंट बनाए थे। अरमान शुरुआत में अपने टिकटॉक अकाउंट पर कभी कॉमेडी वीडियो से लेकर लिपसिंग और कभी एक्टिंग वीडियो शेयर करते थे, लेकिन लॉकडाउन में जब अरमान शहर से गाँव लौट कर आए तो दोस्तों ने उन्हें उनको डांसिंग वीडियो को अपलोड करने का सुझाव दिया। अरमान ने यही किया और 15 मई 2020 को ऋतिक रोशन की फिल्म कभी खुशी कभी गम के फेमस गाने यू आर माई सोनिया पर डांस वीडियो अपलोड किया। यह वीडियो रातों रात वायरल हो गया था। इसके बाद अरमान ने करीब 14 से 20 डांस के वीडियो वायरल हो चुके हैं। बता दे, अरमान के डांस के वीडियो ना सिर्फ भारत में बल्कि देश के बाहर भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर भी अरमान के डांस के दीवाने हो गए हैं। वार्नर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से अरमान के डांस का एक वीडियो शेयर किया है। अरमान का डांस देखकर वार्नर बेहद खुश है। वही कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस, रेमो डिसूजा और कई बड़ी हस्तियों ने भी अरमान को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अरमान ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कई डांसिंग रियलिटी शोज के लिए ऑडिशन दे चुके हैं, हालांकि किसी भी शो में उनको चांस नहीं मिला। डांस इंडिया डांस में भी वह ऑडिशन दे चुके हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। आज उसी शो के जज अरमान के डांस को देख रहे हैं और काफी सराह रहे हैं। ऋतिक रोशन ने लॉकडाउन के बाद अरमान को ट्रेनिंग देने की बात कही है। वहीं अरमान की माने तो बॉलीवुड से भी कई मैसेजेज आए हैं, जिनमें उनको लॉकडाउन के बाद काम देने की बात बताई गई। दोस्तों, अगर आपको भी अरमान राठौर का डांसिंग वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।